जय श्री राम नमः सिद्धि ओम नमः सिद्धि ओम नमः सिद्धि नमो अरिहंतार्णम नमो सिद्धार्णम नमो आयिर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सबसाहु एष सुरासुर मनुष्येन्द बंदिदं दोदिघायिकं विमलं प्रणमामि बद्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। गाथा एक बार पढ़ते हैं। दर्शनाचार की चर्चा चल रही है, निसंकेत निकांक्षित निर्विचिकित्सा निर्मूल दृष्टि। एक भगवान आत्मा जिसके अनुभव में आया हो उससे शंका नहीं होती। बहुत चर्चा पहले हुई इसलिए रिपीट नहीं करेंगे। कांक्षा नहीं होती, अरे मुक्ति की कांक्षा नहीं रहती, बात की तो क्या बात रहे। हालांकि कुछ कहने की इच्छा हो रही है, मुक्ति की भी कांक्षा नहीं होती, स्वर्ग की कांक्षा कौन करेगी। मुक्ति की भी कांक्षा नहीं है तो धन वैभव की कांक्षा कौन करे। ये सब तो सुनने में सरल लग रहा होगा, लेकिन एक थोड़ा सुनो ध्यान से। मुक्ति की भी कांक्षा नहीं है तो कोई हमारी बात माने ये भी कांक्षा नहीं है। क्या कह रही, कोई हमारी बात माने ये भी कांक्षा नहीं है महात्मा। मानने की योग्यता वाली बात मानेंगे, नहीं मानने की योग्यता वाली नहीं मानेंगे। आहा, जगत का हस्तक्षेप मेरे में नहीं चलता, मेरा भी तो नहीं चलता। निकांचित चलाना चाहते नहीं है, इसका नाम दर्शन मोह का अभाव। मैंने कांक्षा नहीं करना चाहते, दर्शन मोह का अभाव। फिर भी विकल्प आता है, ये चारित मोह, उसको भी धिक्कारते हैं, उसको भी निंदा करते हैं। हम क्यों चाहते हैं कोई माने हमारी बात। ये भगवान ये विकल्प भी कब अभाव को प्राप्त हो, मैं क्यों चाहता हूं सब मेरे अनुसार चले। एक दिन केवल ज्ञान हो जाता है। अज्ञानियों को कोई मानता है तो बड़ा खुश होता है, वो नहीं मानते तब दुखी होता है। अज्ञानी माने तो भी दुखी, नहीं माने तो भी दुखी। अज्ञानी कोई उसकी बात मान ले तो सुखी होने लगता, मान हम बहुत देखो हमारी इतनी चलती है। लेकिन ज्ञानी कैसे है, सारा जगत मान ले तो भी ये वो जानता है कि इन्होंने हमारी नहीं मानी। क्या कहा, सारा जगत मान मानेगा नहीं, हालांकि मानेगा नहीं, लेकिन मान भी ले तो उसे ऐसा नहीं लगता इन्होंने हमारी मानी। बढ़िया वहां से बोलो अच्छे से व्यवहार से, इन्होंने सर्वक की मानी। तो हमारी थोड़ी मान रहे हो, हम तो सर्वक की बता रहे इसलिए मान रहे हो, हमारा आदर थोड़ी कर रहे हो। ध्यान रखना, सर्वक की वाणी का आदर कर रहे हो। यदि हम ही नहीं सुनाते तो आदर थोड़ी करते, तो हमारा आदर नहीं करते। जब तो हमारा आदर करते हो हमें दिखाई देता तो हमें सर्वक का आदर कर रहे हो, हमारा नहीं कर रहे। यदि हम उसे अपना आदर मान ले तो मिथ्यात्व है।
यदि उस फादर को हम अपना मान लें तो फिर दुख है, मान है, कसाए हैं, अहंकार है, हमारा कोई आदर नहीं है, ये जापानी का आदर है। आगे नहीं माने तो नहीं, मान ले में दो बातें थी ना, मान ले में तो सर्वज्ञ मानी, अब दूसरी बात उन्होंने मानी तो सर्वज्ञ मानी, एक दूसरी बात उन्होंने अपने हित की मानी, हमारी का मानी भैया ये हमारी एक बात मानो, बोले हो तुम जरा लाइन में खड़े हो जाओ, एक एक कुंटल सोना देंगे, तो तुमने हमारी थोड़ी मानी तुम्हें सोना चाहिए था एक एक कुंटल, तुमने अपने मन की मानी, तुमने अपने हित की मानी, तुम्हें हित लग रहा था एक एक कुंटल सोना मिलेगा, हमारी नहीं मानी। इसका मतलब एक द्रव दूसरे द्रव की नहीं मानता, हम भी सर्व की थोड़ी मान रहे हैं, हमें हित भाषित हो रहा है मान रहे, अपने हित की मान रहे। ध्यान रखना जब आपको अपने हित की लगेगी ना तो आपको सहजता आएगी, लघुता आएगी, और जब लगे हम सर्व की मान रहे, देखो हम मान रहे तुम नहीं मान रहे, हम मान रहे तुम नहीं मान रहे, हम राजी वजह नहीं कर रहे, हमने सर्वज्ञ की मानी तुम नहीं मान रहे। सुनो सर्वज्ञ की मानने वाले अहंकारी हो जाएंगे, अपने हित की मानने वाले लघुता को प्राप्त हो जाएंगे। आपको कभी नहीं लगेगा हम मंदिर नहीं जाएंगे, अरे तो मंदिर जा रहे तो कोई एहसान थोड़ी कर रहे, हम पूजा नहीं करेंगे, मत कर, तुम्हें अपने हित की नहीं करने मत कर, तुम्हें अपना हित भाषित होता हो तो पूजा प्रक्षाल करो, तुम्हें अपना हित भाषित होता तो स्वाध्याय में ऐसे नहीं बैठो, जिन वाणी के सामने ऐसे नहीं बैठो। आगे समझ में आया, यदि तुम्हें अपनी हित लगे तो करो, क्यों कभी तुम्हें ऐसा कहते हो हम लड्डू नहीं खाएंगे, क्यों खाएं तुम्हारे कहने से, बताओ पांच जिंदगी विषय भोग तो तुम अपना हित जान के करती हो, तो बताओ सटावश्यक में तुम्हारा हित है कि नहीं, बताओ हित है कि नहीं। अब अपने हित मानोगे तो तुम अपने आप करोगे, हम मना करेंगे तो करोगे, नहीं पूजा नहीं करना तो भाई साहब ने मना कर दिया, हम क्या करें, हम तो कर रहे हैं, मना कर दी, अरे तुम्हें अपना हित लगेगा तो हमारे मना करने पर भी करोगे। जिस लड़के को शादी करना होती हम तो कह रहे मत करो, कर लिया था तो उसे अपना हित लगता है तो करते ही हो, भोजन करना है, कपड़े पहनना है, कमाई करना है, ध्यान हित भांसी तो जरूर करेगा। समझ गए, दो बातें बताई, कोई मानता तो हमारी नहीं मानता, सर्वज्ञ की मानता है, और जब तक सर्वज्ञ की मानता है तब तक अहंकार ही है, और अपने हित की मानता है तो लघुता है, प्रभुता है, अपने हित की लगी तो आप मानो। आप अब द्रव्यान युग से इसकी बहुत चर्चा हो सकती है, द्रव्यान युग से उसकी तत्समय की योग्यता थी इसलिए मानी, हमारी का आगू मानी, उसका भविता भी अच्छा था इसलिए मानी, हमारी का आगू मानी है, ऐसे आ जाएगी बहुत सारी चर्चा। इसलिए सम्यक दृष्टि को फिर से कह रहे, सम्यक दृष्टि को तीन लोग उसकी बात माने तो भी उसे नहीं लगता हमारी मानी, इसलिए उसे लघुता रहती, अहंकार नहीं हो पाता। पुरुषार्थ काय में आए, समझ में आया, आप ध्यान रखना, अभी भी कह रहे हैं, सबसे कह रहे हैं बात, आप अच्छे काम करते हो इसकी कीमत नहीं है, आप अपना हित मानो इसमें आपकी कीमत है। क्या बोल गए हम, करो आप रोज पूजा प्रक्षाल कर लो, हमारे कहने से कर लो, ये जिनवाणी के अनुसार कर लो, ये प्रतिज्ञा ले ले इसलिए कर लो, फल तो नहीं मिलेगा, लाभ नहीं होगा, आप करो मत करो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन आप हित मानो, जैसे बने हित मानो, पूजा करो लेकिन हित मान के करो, हित मानोगे तो मैं लगता आएगी, पक्की बात है, सम्यक दर्शन होगा, पक्की बात है। तुम जितनी टेंशन में हो ना सारे दोष मिट जाएंगे साहब, दोष इसलिए नहीं मिट रहे, हमें अपना हित ही भाषित नहीं होता, ब्रह्मचर्य में अपना हित भाषित नहीं होता, सील की नौ वार्ड पालने में हित भाषित नहीं होता, मोबाइल देखने में हित भाषित होता था, अब मोबाइल नहीं छूटेगा, हमने बहुत प्रतिज्ञा कर ली हम 10 दिन में 1 दिन देखेंगे, जैसे ऐसी प्रतिज्ञा हो गई पंडित जी हम 10 दिन में 1 दिन चेयर खाएंगे, कौन ने लिखी भाई ये प्रतिज्ञा, कहाँ लिखी बताओ, हम 10 दिन में 1 दिन चेयर खाएंगे, वैसे तो हम रोज खाते, अब हमने सोच 10 दिन में 1 दिन खाएंगे, 9 दिन नहीं खाएंगे, चेयर खाना बहुत बुरी चीज है, लिखा है सब, समस्त दोस्तों को एक साथ छोड़ देना चाहता है, ये दर्शन मोहिनी का भाव हुआ, छूटे नहीं है ये चारित मोहिनी, क्या अंतर जी।
क्या मतलब अंतर क्या होगा दर्शन मोहिनी चारित मोहिनी में? गुण सुंदर में क्या पड़ा था? गुण सुंदर में दोष एक भी नहीं मिटा था, लेकिन रखना एक भी नहीं चाहते, दोष एक भी नहीं मिटा था और एक भी रखना नहीं चाहती थी, इसलिए दर्शन मोह तो मिट गया था और चारित मोहिनी रह गया था। कितना सरल मार्ग है, बोलो कितना। हम कब कह रहे थे तुम दोष मिटाओ? कल भी हमने कहा था तुम इसलिए अच्छे नहीं लगते, तुम्हारी दोष मिट गई, तुम्हारी दिशा बदल गई, इसलिए अच्छी लगती। हमें मालूम दोष धीरे धीरे छूटेंगे, चारित मोह बहुत धीरे धीरे जाता है, लेकिन एक बार ये तो समझो कि दोष हम नहीं, दोष हमारे कहने लायक नहीं है, कहलाते तो हमारे ही व्यवहार से, लेकिन दोष हमारे कहलाने लायक नहीं, हमारा तो रत्नत्रय कहलाने लायक, हमारी तो अनंत शुद्ध निर्मल पर्याय कहने लायक है व्यवहार, बेबी हमारी नहीं है हमारी हम हैं बस, ध्रुव तो ध्रुव है, शुद्ध पर्याय भी हम नहीं है, शुद्ध पर्याय हम नहीं है और शुद्ध पर्याय भी हमारी है, ये कहना व्यवहार है, व्यवहार मतलब ऐसा भी नहीं, वो भी हमारी नहीं है, हमारे तो हम ही है। मैं वह ध्रुव हूं जो बिना शुद्ध पर्याय के अनादि से जीवित है, मैं वह ध्रुव हूं जो जो अनंत विकारों के बीच में भी स्वस्थित है, सुस्थित सुस्थित है, सुरक्षित है, मैं वह ध्रुव। आई समझ में आया? ऐसे में नहीं चाहते कोई हमारी माने, हमें मान लेते हैं, हम नहीं चाहते एक भी दोष मिटा देना चाहते, लेकिन नहीं मिटते, ध्यान रखना, तो दुखी भी नहीं होते, बस केवल हे जानना ही उनके मिटाने का उपाय है, अपने नहीं जानना ही मिटाने का उपाय है, अपने नहीं जानना ही दुख मिटाने का उपाय है, तो सरल काम है तो स्वच्छंद हो जाएंगे, ऐसे कैसे जाएंगे, जब करना चाहे तब तो स्वच्छंद होगा, मिथ्या दृष्टि स्वच्छंद हो जाता है, वो तुमने सुन लिया भिखारी भाव के कर्तापन नहीं है, करे जाओ, वो तो रखना चाह रहा तब बढ़ा सकता है, जब रखने ही नहीं चाहते तो कैसे बढ़ाएगा, स्वच्छंद कैसे हो जाएगा? नहीं बताए ना, नंबर वन क्या था, एक भी दोष नहीं रखना चाहता और एक भी दोष मिटा नहीं, तो रखना नहीं चाहता तो बढ़ाएगा क्या? हाँ, कर्म के उदय प्रमाण बढ़ जाए तो बढ़ जाए, रह जाए तो रह जाए, उसे पता है मिटेंगे तो यही, हम तो अनादि से नहीं मिटे, अनंत विकारों के बीच में अभी तक हम तो मिटे नहीं, हम काहे मिटेंगे, अब तो मिटने तो नहीं, कब मिटेंगे इनकी बात हम जी जाने, आगे समझा, इसका नाम दृष्टि मोक्ष है, और जे मिटेंगे सो ही भाव मोक्ष हो जाएगा। आई बात समझ में, क्या कह रही, तो निकांक्षित वृत्ति चर्चा हो रहा है, मेरी चिकित्सा मलिन पर्याय के काल में भी ध्रुव से गिलानी नहीं करती, क्या कहा, विकारी भाव के काल में भी ध्रुव से गिलानी नहीं करती, विकार से तो गिलानी करती है, क्या कह रहे हैं, रागादि विकार हैं, क्रोधादि के विकारी भाव, उनसे तो गिलानी करते, उनको थोड़ा करते, लेकिन ध्रुव तो ध्रुव है, इस ध्रुव को देगा, सुंदर बच्चे ने गटर में हाथ डाल दिया तो अम्मा चिंता नहीं करती, लेकिन निषेधती तो है, ए गटर में हाथ क्या डाल रहे, निषेधती तो है ने, लेकिन डल गया तो इसका अब आओ घर में नहीं घुसना, तुमने गटर में हाथ डाल दिया, तुम गंदे हो गए, अब घर में नहीं घुसना, नहीं बेटा घर में गटर में हाथ नहीं डाला करो, चल नहाओ, कपड़े बदलो, शुद्धि करो, शुद्धि करके घर में ले लिया, ऐसे दर्शन मोह मिट गया और चारित मोह मिटा के घर में घुसो, शुद्धात्मा की प्राप्ति जब तक नहीं हो जाए, जब तक मैं आत्मा में लीन नहीं हो जाऊं तब तक इसे अपनाऊंगा, मैं जानता हूं निश्चय से दर्शनाचार, मैं जानता हूं निश्चय से तुम शुद्धात्मा नहीं हो, जितनी चर्चा हुई उपग्रहण स्थितिकरण निर्मूढ़ बासल, कल बासल की हो गई, अभी प्रभावना, प्रभावना दर्शनाचार है, प्रभावना मतलब, प्रभावना का मीनिंग समझो, आप प्रभावना को प्रचार समझते हो, अर्थात प्रचार को प्रभावना समझते हो, डिफरेंस है ये, आप प्रचार को प्रभावना समझते हो, कैसी है प्रभावना,
पहले मीनिंग करेंगे संधि विच्छेद, प्रकृष्ट भावना, प्रकृष्ट समझते ही होगे, प्रकृष्ट में सर्वोत्कृष्ट। ध्यान से सुनना, मैं बहुत धीरे बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मैं फास्ट नहीं चल सकता, एक एक शब्द ध्यान से सुनना। प्रकृष्ट भावना, प्रकृष्ट भावना क्या होती है? प्रश्न प्रकृष्ट, अब ध्यान सुनना, पहले लिखना मत, बाद में लिख लेना, पहले समझो, क्यों लिखने में तो देश का पूरा मन भी खत्म हो जाए, एकदम पी जाओ तुम तो, फिर लिखते रहना, क्योंकि इसीलिए हम धीरे धीरे बोले, हमें मालूम है थोड़ा नई चर्चा है आपके लिए। प्रकृष्ट भावना कैसी होती है? अब शब्दों से तो नहीं समझा सकते, उसके लिए दृष्टांत देंगे, वो भाव भाववाचक संज्ञा है। प्रकृष्ट भावना माने कंटिन्यू भावना है, सतत भावना है, कॉन्स्टेंट भावना है। मैं जानता हूं अभी मैं नहीं समझा पाया, मुझे बता नहीं दो, वो तो शब्द आ गया, शब्दार्थ हो गया। क्या मतलब? जिस समय सोता है उस समय भी चल रही है, वो खाता है तब भी चल रही है, पीता है तब भी चल रही है, वो नहीं रुकती प्रभावना। प्रचार प्रसार नहीं कह रहे, प्रचार प्रसार तो रुक जाएगा, जैसे पूजा की भावना सदा चलती है और कर आधा घंटा पाओगे, तो प्रचार माने आधा घंटा पूजा कर पाए वो प्रचार है, जब तुम लोग देख जाएंगे तब और भी पूजा करते, ये प्रचार हो गया, ये पूजा करती है। लेकिन जिस समय आप पूजा नहीं करते हो उस समय भी प्रभावना रहती है। क्यों? तुम 24 घंटे हमारे संग रहते हो, लेकिन तुम्हें यही लग रहा है हम 24 घंटे भाई साहब संग है, भाई दो दिन से नहीं मिले, फोन पे लगे जाइए हम भाई साहब संग है। बता रहा हूँ, बताऊ आप बस भाव समझते हैं, मैं बहुत दृष्टांत दूंगा इसे, मैं बताऊंगा अभी पूजा का भाव बने, विकल्प नहीं, विकल्प नहीं, विकल्प करना नहीं पड़ता और भावना मिटती नहीं, अब कैसी चीज होगी? इसलिए मैं बता रहा हूं भाव, विकल्प करना नहीं पड़ता, और तुम सबके प्रश्न कहां से आते विकल्प से? कोई हमें गाली दे, गुस्सा आए तो हम क्या सोचें? जी प्रभावना थोड़ी हुई, ये भावना नहीं हुई। हमें एक बार बताओ, हमारा बच्चा रो रहा हो तो हम क्या सोचें? ये अम्मा है, ये अम्मा ही नहीं, ऐसा कोई प्रश्न पूछती है, हमारा मोड़ा रोए तो हम क्या सोचें? बताओ क्या जवाब दोगे, क्या सोचें? हे माता तब तू विचार कर, चूंकि ये मेरा जन्म है, ये बेचारा अबोध है, इसका रोना ही खुद दूर नहीं कर पाएगा, इसलिए मुझे इसे दूध पिलाना चाहिए। सब गिर पड़े, चोट लग जाए, वो खूब जम के रो रहा हो, हम कह चुप हो जाए, मांग जाए, वो नहीं मांगे तो अब क्या सोचने चाहिए? कोई नहीं पूछेगा, यही तो उसकी माँ हो तो हमसे नहीं पूछोगी, हम फौरन पट्टी बांध देंगे, रोन देंगे, रोने की चिंता नहीं करेंगे, पट्टी बांधेंगे उसे, गले लगा लेंगे, रुक रो मत रो बेटा मत रो, जैसे बने उसे चुप कराएंगे, ले हमारे पप्पू को मार देंगे, ठीक मैं जैसे बने उसे करें, देख कितनी चिंटी मर गई, देख चिंटी मर गई, तुम्हें तो लगी होते तो मर गई, कहाँ ठीक है, अच्छा ले लड्डू दे रहे, देखो आप जी ऐसे मानेंगे, अभी ऐसे मनाएंगे, कोई पूछता है? केवल एक चीज का निर्णय है कि मेरा है, ऐसे यहां पर टोटमंजी लिखा है, ओहो इनमें तो अपना ही हित भाषित होता है, इनमें मेरा पुण्य भाषित होता नहीं लिखा, स्वर्ग भाषित होता है नहीं लिखा, इनमें अपना हित है। मैं सच कह रहा हूं, मेहनत करो, हमसे मत पूछो पूजा करें कि नहीं करें, समाज क्या कहेगी, दुनिया की तो बेकार है, स्वयं आज क्या कही, दुनिया क्या की, तो तुम प्रचार की सोच रहे, प्रचार वाला दुखी होता है, प्रभावना वाला दुखी नहीं होता, काम हो या ना हो, नहीं प्रभावना वाला कभी दुखी नहीं होता, हमें प्रभावना का भाव बता रहे सब, दुखी नहीं होता, हमारी भावना तो उसको आप नहीं हो पाई, नहीं हो पाई, हम तो देना चाह रहे थे सबको, बात नहीं ले पाए तो नहीं ले पाए, हमें कह के दो, हम तो खिलाना चाह रहे थे अभी नहीं खा पाए, तो हम क्या करें, हमने तो बनाओ, तो हम भोजन करने जाते हैं, सब तरह के प्रकरण बनते हैं घर में, इतनी सारी चीजें बना लेंगे भूल ही जाते कि काका परस में,
अब कभी अब जगह नहीं देती होती तो कभी बंद करके अलमारी में देते कभी इधर उधर देते कभी इधर उधर। अब परसते समय परसों फिर से कुछ कम ना पड़ जाए, नमक तो नहीं चाहिए, मिर्ची तो नहीं चाहिए, फला वही में तो प्यो लग गया परस में, ये दो चार चीजें रखी रहेगी मान लो दृष्टान। और जब हाथ धो ले पंडित जी इतना लड्डू ले, हमने हमने कल से दूध ऑटा एक सही में हमने पपड़िया बनाई थी, अरे रह गए खींचला पंडित जी हमें बहुत दुख हुई ले ली, हमने थोड़ी मना करी थी लेवे लाए, लेकिन योग नहीं है तो नहीं है, अब समता रखो आप होता है देख लेना घर में हो जाता है रखी रह जाती चीज, लेकिन उन्हें इस बात का संतोष होता है हमने बनाया था, हमें हमारी तो इच्छा पूरी थी, लेकिन पंडित जी को अंतराय हो जाए तो हम क्या करें हो जाता क्या करोगे आप, मैंने भावना समझिए प्रभावना भावना इसका नाम भावना है, और ध्यान रखना जो प्रभावना है ना उसी से कल्याण होता है, यहाँ शुद्धि शुद्ध उपयोग का कारण है प्रभावना, कर्मों के अपकर्षण का कारण है, कर्मों के निर्जरा का कारण है, ये पाप को पुण्य में कन्वर्ट करती है प्रभावना, तो अच्छी भावना भाव दुख के प्रकरण भी सुख के बन जाती, चलो अच्छा ही हुआ झगड़ा हो गया थोड़ी तकलीफ तो ही चार छह महीना, ले अब परिणाम सब तरफ अच्छे हो गए, अब नियमित जीवन जिएंगे, अब अच्छे अच्छे निर्णय निकल आते, चोट खा के समझता है आदमी, माने जो होता है अच्छे के लिए होता है, आगे समझ में आया, क्या कह रहे हैं प्रभावना उसका फल मिलता है, इसलिए प्रभावना करो हमें, अब गलती समझ में गलती क्या थी जी, गलती प्रभावना नहीं हो पा रही, अच्छे तो हो, अच्छे नहीं होते तो आते गायु, अच्छे नहीं होते तो सोचते गायु करते गायु, इतनी बात कौन सुने, पिताजी की नहीं सुनत को अम्मा की नहीं सुनत, मतलब किसी की नहीं सुनते, तो प्रभावना होगी कैसी थोड़ी भावना होगी, तो देखो प्रचार में कन्वर्ट नहीं हो जाए, प्रचार मत करो प्रभाव ना करो, प्रभावना से सचमुच सम्यक दर्शन होता है सचमुच, ध्यान रखना हम व्यवहार प्रभावना नहीं बता रहे, व्यवहार प्रभावना वो हम उसे प्रचार में डालते हैं, जुलूस निकालना, मंदिर बनाना, लाइट डेकोरेशन करना, भोजन दे देना समाज के लिए, प्रवचन सुनो भाई शिविर लगा देना, ये सब प्रचार है, ये आप सदा नहीं कर पाओगे, लेकिन प्रभावना सदा होती है, प्रचार और प्रभावना का अंतर लिखो, जरूरत पड़ती है प्रचार के लिए, मन वचन का है कि अच्छा होना ही जरूरत है, प्रचार के लिए पैसा भी चाहिए पड़ेंगे, प्रचार के लिए समाज का सहयोग भी चाहिए पड़ेगा, और अब तो हम प्रचार करने तो पंडित जी भी अनुकूल चाहिए, कितनी सोचो प्रचार में कितना वो है, अप्रभावना कभी करने नहीं, हम ही थे, आपको पता है ग्रंथों में लिखा है प्रवचन करने वाले दिगंबर मुनिराज से भी असंख्यात गुनी प्रभावना मौन मुनिराज से होती है, आप जो समझ में नहीं आया यहां से कैसे, हमारे जितने ब्रह्मचारी यदि दुखी भी है ना ब्रह्मचर्य लेने के बाद, सुमद प्रकाश जी के तो माजी उनके तो प्रवचन हो जाते, तो उन्हें तो सब लड्डू खुआ उनकी तो बड़ी प्रचार है, मतलब बड़ी पूछ है, वे तो व्हाट्सएप पे भी छा गए, अपन तो एक कोने में पड़े रह जाए दुनिया में, कोई पूरे अपनी यूट्यूब नहीं खोलेगो दुनिया में, अपने प्रवचन नहीं सुनेगा कोई, अपने तो कोई शिष्य भी नहीं बनेगा, अपन तो है किसी किस्मत की बेकार, कुछ काम के न दीन के, माला फिर लो भैया रोटी खा लो मर बिकला जब तैयार रहो, रोत रहा हूं ऐसे बैठे बैठे, इसलिए मैं फिर कह रहा हूं तुमसे, फिर क्या कह रहा हूं, निदान बंद नहीं करना हम प्रवचनकार बन जाए, निदान नहीं बंद करना हम लेखक बन जाए, निदान बंद नहीं करना हम टीकाकार हो जाए, निदान बंद नहीं करना और बातों के प्रचार के प्रचार के, आपको पता है अभी आप थोड़े समय पहले तक जाके देखो, थोड़े समय पहले तक तो मुनिराज मंदिर नहीं बनवाते थे, गिरवाने की बात तो बहुत दूर की बात है, अब देख लो पूरे इतिहास उठा के, शांति सागर जी ने एक भी मंदिर नहीं बनवाया, उनके पहले भी जो मुनिराज उनने मंदिर नहीं बनाया, मैंने काम नहीं करती ऐसा कोई, पैसे इकट्ठा करना चंदा चिट्ठा, इनकी बहुत आलोचना भी थी और करती भी नहीं थी, और पुराना इतिहास उठा लो उसको तो बात ही अलग है,
पुराण पढ़ोगे पूरे तो उसमें कहीं ऐसा काम नहीं। और भट्टारकों को ये काम करने थे तो उन्होंने मुनि वेश छोड़ करके कपड़े पहने, मुनि वेश छोड़ा उन्होंने बुद्धिपूर्वक कपड़े पहने, और फिर अपना छुल्लक नाम रखा उन्होंने, छुल्लक कहलाती थी, छुल्लक माने इनकी स्थिति छुल्लक की है, छुल्लक का मतलब छोटा, छुल्लक का अर्थ होता छोटा, तो छोटे हुए। लेकिन राजाओं में महानता दिखाने के लिए पीसी कमंडल रखने लगे, छुल्लक को पीसी कमंडल करनी बात नहीं होती, इसलिए रखते कि वो उससे बड़े दिखेंगे। तो बहुत नाटक नोटंग किया, भट्टारक प्रकरण में पढ़ लेना सब, भट्टारकों का इतिहास है इसमें। हम तो जब हमारा कहने वाला ये है कि भी कराती नहीं थी काम, क्योंकि प्रचार करने निकले नहीं, प्रभावना करने निकले। अब प्रचार प्रभावना का थोड़ा अंतर समझो प्रथमान योग से। चेल ना पूरी जिंदगी समझात रही उनको, श्रेणिक नहीं समझा पाई, नहीं समझा पाई, नहीं समझ पाई, रोई भी होगी, सीधे बैठ गए ऐसे ऐसे बैठ, नींद आ रही था, रोई होगी, रूठी होगी, भोजन नहीं किया होगा, सब कई उपाय तो करे ही होंगे जितनी कर सकती, सब करे होंगे लेकिन आखिरकार नहीं समझा पाई। लेकिन तीन दिन में दिगंबर मुनिराज ने बोले बिल्कुल नहीं और सब समझ में आ गई, ये प्रभावना है, ये प्रभावना देख के ही समझ गए, देख के ही आंखों में अश्रुपात होने लगे, रे धन धन है। एक हिसाब से कहें तो कितने षड्यंत्र किए चेलना ने, बोध साधु भोजन में गड़बड़ करी, वो आंधे सीधे उनकी आश्रम में आग लगवा दी, जहां में ध्यान कर रहे थे वे उन कुटियों में आग लगवा दी चेलना ने, बताओ कितनी खतरनाक नारी थी वो हाँ लेकिन वो ही है मतलब प्रभावना ये है, एक मौन मुनिराज से प्रभावना हो गई। मैं सच कहता हूं तुम अंतर्मुखी होते चले जाओ, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा तुमसे प्रभावना हो जाएगी। मैं इसके लिए बहुत दृष्टांत देता हूं, बहुत सरल सरल दृष्टांत। आप रेलगाड़ी में दिन में भोजन करते हो प्रभावना हो जाती है, आप लोटा डोर छन्ना लेके उतरते हो रेल से, कुआं ढूंढते हो, पानी छानते हो, इतने में प्रभावना हो जाती है। जब आप जी धोई दुपट्टे पहन के सड़क पे जाते हो ना तो स्वीपर स्वीपर जो किसी की नहीं सुनता, कहीं हर सेकंड में आदमी निकल रहे, हर सेकंड में सेठ जी निकल रहे, महिलाएं निकल रही, वो कहां तक रुके बेचारा, झाड़े कि नहीं झाड़े। लेकिन इस बेस में निकल रहे, पूजा पाठ के बेस में निकल रहे हो, भैया निकल जाए निकल जाए निकल जाए, प्रभावना हो गई। अब अच्छी भाषा में बोलो, चरणानियों की भाषा में बोलो, सदा चरण ही प्रभावना है। क्या कहा, हमारी तो बड़ी भावना, हमारी तो बड़ी भावना, हम प्रभावना करें, पैसा नहीं है तो तुम ढोरो, पैसा से प्रभावना होती कहा है, हम तो गरीब आदमी, आप तो दान दे लो, तो फिर तुम गड़बड़ कर रहे, यही तुम्हारी प्रभावना करने की इच्छा थी, एक पैसा नहीं चाहिए उसके लिए। अक्सर लोग ऐसे दुखी होते, हम पे पैसा हो तो हम भी मंदिर बना देते, तो क्या प्रभावना हो जाती, हम भी दान दे देते, हम भी भला कर देते। अब ये बड़े बड़े सेठों को धर्म होगा, अरे तुम जेल ऐसी तो मत करो, बड़े बड़े सेठों को धर्म होगा, का हुआ धर्म, कौन सेठ मोक्ष गया पैसा से, क्यों कौन से सेठ जी सम्यक दर्शन हो गए पैसा से, बोलो आई समझे नहीं आ रही, सुन रहे कि नहीं आए अच्छा आचरण करो, अपने प्रभावना हो जाएगी। ध्यान रखना पंडित साहब की भाषा में कहें, जो साफ रहते हैं उनसे प्रभावना होती है, जो सफाई देते हैं उनसे प्रचार तक नहीं होता। क्या कह रही, अपन इतना अच्छा आचरण रखो, नौकर अपना अनादर करे क्यों, फिर अपने सफाई देनी पड़े, फिर सॉरी बोलना पड़े, नहीं। कॉलेज में मैंने एक दिन बताया था, मुझे जरूरत नहीं थी, मैं कॉलेज में 10 दिन जाऊं तो कोई प्रिंसिपल नहीं कहे तुम 10 दिन क्यों आए, 20 दिन क्यों नहीं आए, कोई देखने वाला नहीं था।
लेकिन केवल इसलिए जाता था कि मेरा पाप का उदय आएगा और किसी दिन प्रिंसिपल को पता भी लग जाता है या गलत होता है कुछ होता है या लड़कों ने हाय हाय कर दी उधम मचा दिया कुछ हो गया और फिर हमें सॉरी लिखना पड़े, ये मुझे बर्दाश्त नहीं था। बस मैं सॉरी नहीं लिखना चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि प्रिंसिपल के सामने मैं नतमस्तक होकर कहूं सॉरी सर आप माफ करो, नहीं ये मुझे बर्दाश्त नहीं थी। इसलिए चाहे कुछ हो, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, घट कुछ भी हो, हम अपनी नियमित समय पर ड्यूटी पर जाएंगे और जो कार्य हमें मिला है हम अपनी ड्यूटी का पूरा पढ़ाएंगे, हृदय से पढ़ाएंगे। केवल इतनी सी बात के लिए हमने इतनी कोशिश करी और उसकी प्रभाव ना हुई, छात्रों से लेकर ऊपर तक सब में प्रभाव ना हुई, कोई ने बाल वहां का नहीं कर पाया, 10 साल में हाथ नहीं लगा पाया, कुछ नहीं कर पाया। भाई साहब उन्हें कहा पता वे तो अनजान है, वे तो अज्ञानी है, वे तो अन्यमति है, अजैन है। मैंने कैसे, अरे यही तो गड़बड़ है तुम्हारी, तुम्हें लगता है वे करता है, ये मिथ्या है तुम्हारा, वे करता नहीं है, तुम्हारा उदय पहले काम करता है तब भी काम करती, इसलिए इनका नाम है नौकर्म, इनका नाम नौकर्म, ये कुछ नहीं करती। सब मुसलमान का समझे, वो तो हिंदुओं से बेर खाता था जैन को मार देगा, ऐसे कैसे मार देगा, द्रव्य कर्म के बिना नौकर्म हिलता नहीं है। क्या कहा क्या कहा, द्रव्य कर्म के उदय के बिना नौकर्म हिल नहीं सकता। तुम पत्थर नहीं मारो तो पत्थर में कदम तुम्हें लग जाए, पत्थर की तो तब लगी जब हमने मारा, ऐसे जो हमने मारा ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म द्रव्य कर्म, भाव कर्म निम से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म के उदय में नौकर्म, नौकर्म का तो कोई दोष ही नहीं। परद्रव्यों को दोष मत दो, क्या बोल रहे हैं, परद्रव्यों को दोष मत दो। फिर से बोल रहे तीसरी बार, क्या कह रहे हैं, परद्रव्यों को दोष मत दो, जहां इलाज करने की जरूरत है भाव कर्म वहां इलाज करो और जैसा इलाज करने की जरूरत है पहले मिथ्या मिटाओ। अपन क्या लग रहा है, क्रिया रुक जाए, परिणाम रुक जाए, प्रवृत्ति रुक जाए, बिल्कुल मिथ्या। स्पष्ट शब्दों में कह रहे मन वचन कायम सुधारो, पहले पहले नंबर मिथ्या दूर कर, आत्मा निर्दोष परमात्म तत्व है ये स्वीकार करो, ये विकार हैं लेकिन मेरे नहीं है और मेरे किए नहीं है और इनको हे जानने से मिट जाएंगे, बस इतना इतना सा श्रद्धा में सम्यक दर्शन पूरे कल्याण हो जाएगा, पूरे दोष मिटेंगे, चिंता नहीं करो। आया समझ में आया तो क्या हो गया, प्रभाव ना सफाई देना पड़े, ये प्रभाव ना नहीं है, साफ रहो। उसका दृष्टांत हमने अपने जीवन का दे दिया आपको, नहीं नहीं हमारा भाव ऐसा था, हमारा भाव ऐसा था, नहीं नहीं आप साफ रहिए, दृष्टांत साफ रहने का और सफाई नहीं देने का बनाओ, एक दृष्टांत प्रथमान योग से शेष से सफाई नहीं दी, साफ थे, डरे तक नहीं, ओ कोई फोटो ना खींच ले जाए, भाई जब तुम निर्दोष हो कहां डरे, साफ रहो अंजना, जब तक सफाई देती रही नहीं करो विश्वास, और समता चली गई रहने लगी आ गए भी भैया। अरे अब तुम पहले हमने जो सुना बाबू का सोचो, तुमने वो दृष्टांत तुम भूल गए बिल्कुल, हम जो बता रहे पहले वो दृष्टांत तो दे दोगे हमें पता है, अब तो हमने दे दिया ट्रैक, अब तो सब कही दे दोगे तुम, पार्श्वनाथ का भी, लेकिन हम सीता अंजना कुछ कहना चाह रहे उस पर नजर नहीं गई, बोलने वाला सुन नहीं पाता। कोई बात नहीं, अंजना 22 वर्ष तक सफाई देती रही नहीं सुनी इनने, और जब सफाई नहीं दे रही थी तब आ गई और फिर समता से बच्चे को लेकर चली गई, मैंने गर्भवती दशा में चली गई, फिर अपने आप ढूंढते फिर रोटी नहीं खा रहे, कपड़ा नहीं पहन रहे, कपड़ा नहीं पहन रहे बदल नहीं रहे, अच्छे अच्छे आभूषण नहीं पहन रहे जी, मतलब अब भटक रहे, नहीं अंजना नहीं मिलेगी मैं घर नहीं जाऊंगा, तुम रात चलाओ काज चलाओ तुम घर जाओ हमें नहीं, इतने इतने विफल, इसका कर्म का उदय ये नौकर्म। सचमुच विश्व में कोई तुम्हें दुखी करने में समर्थ नहीं है, तुम्हारे भाव कर्म का दोष है, मानो मानो और मानो, यदि भाव कर्म का दोष नहीं हो तो कोई नहीं तुम्हारा बुरा कर सकता। और बोल दी एक बात, क्या बता हमारी गलतियां हैं इसलिए लोग हमारा अनादर करते हैं, नहीं नहीं गलतियों से अनादर नहीं होता, ध्यान रखना बहुत बड़ी बात कहना मुझे,
हमें कमियां हैं, अनुभवहीनता है, नादानी है, इससे कोई अनादर नहीं करता हमारा। तो कैसे करता है? गलती होने पर भी गलती नहीं मानती, अनुभवहीनता होने पर भी लघुता से नहीं कह पाते क्षमा करना, हमने कभी बनाया नहीं हलवा, अभी बनाया लेकिन बिगड़ गया होगा, अच्छा नहीं बनाओ, इतनी लघुता से बोल दो कुछ नहीं होगा। बोल दे, तुमने झाड़ू पोछा लगाया, तुम कहो भाई साहब जिंदगी में पहली बार लगा रहे, शायद कुछ गलती हो गई, आप बता देना, प्री हो जाओगे प्री। हमने अच्छा लगाया, हमने ऐसा लगाया, हमने पूजा प्रक्षाल छोड़ के लगाया। अरे भगवान, तुम उधर देख रहे जमीन देख रहे, यदि जमीन देख रहे हो तो हाँ भाई साहब सॉरी, और बता दो जम और का सुधार करें। इतने समय तुम कितनी कमी हो, फिर कह रहे हैं कितनी भी कमियां हो, कितनी भी कमियां लिख लेना, बिल्कुल रट डालना ये लाइन, कितनी भी कमियां हो तुम बहुत प्रिय बन जाओगे, हमारे अकेले नहीं तीन लोग के प्रिय बन जाओगे आप, सर्वज्ञ के प्रिय बन जाओगे, गणधरों के प्रिय बन जाओगे। फिर से कह रहे हैं हम, अभी कल भी कही थी, अभी एक बार कह चुके, तीसरी बार फिर कह रहे, तुम निर्दोष हो इसलिए अच्छे हो ये नहीं कह रहे हम, तुम सदोष होने पर भी लघुता रखते हो, दोष मिटाना चाहते हो, दोष कह देते हो, दोषों के प्रति ममत्व नहीं है, ये तुम्हारा अच्छापन है। नहीं तो तुम्हें क्या लगे, वो तो हम इसलिए खराब है, आचरण खराब है हमारा, क्रिया खराब है, अनुभव नहीं है, नादान है, अज्ञानी है, भोलवे हैं, भोंदू हैं, पूर्व जन्म के संस्कार नहीं है, ऐसे रोबिस कसी नहीं हुई है, रोते रहो आपको आदर नहीं मिलेगा, ऐसा रोने पर भी आदर नहीं मिलेगा, लघुता रखो। भैया हमें भोजन जल्दी जल्दी बनाओ, कछु नमा मक्का हुआ तो बता दी भैया, कछु बना नहीं पाए। आपने देखा ना, अपने बुंदेलखंड की भाषा बहुत प्यारी लगती है, सबसे मीठी लगती है मुझे बुंदेलखंड की भाषा, ये भैया कछु कर नहीं पाए, ये बना नहीं पाए, तनक मीठा सीटो बन जाता तनक सो ए तनक से ए तनक से ले, ऐसी बढ़िया भाषा लगती है, मैं बुंदेलखंडी जैसी मीठी भाषा नहीं होगी। ये हमें इतने से नेक से मखाने या खोर दे ले तनक से तनक ऐसे बोलती हूँ कहने मतलब समझे, भले फिर वहां रूखी रोटी हुई चटनी हुई तना से लचपका लचका हुए, बड़े प्रेम से खाओ, कोई बात नहीं, बोलो 10 तरह के आइटम खिलाए और एक एक भाषा निकल जाए, ध्यान से सुनना भाषा, कहो कैसे लगे, खाए कहो ऐसे ऐसे 10 मिठाई बनाई हमने तुम्हारे लाए, तुमने कहूंगा नहीं हम तुम्हारे घर जाते हैं, एक वचन ने तो सब बिगाड़ दिया, अब 10 मिठाइयों का सब स्वाद बिगाड़ होगा, जिंदगी और याद रहेगी, मिठाई का स्वाद तो अभी खत्म हो गया लेकिन वो बात हमेशा याद रही, भैया हमने भैया पहले कहते तो हम खाते ही नहीं तुम्हारी, तुमने काहू 10 बना ली भैया, काहू टाइम खराब करो और काहू को करी, लेकिन एहसान का तीर मार दिया वो सब स्वाद खराब हो गया। अनुदिष्ट भोजन इसलिए कहा है अनुदिष्ट, उद्दिष्ट भोजन में एहसान होता है, उद्दिष्ट भोजन में हम नित्य बनाओ महाराज ने खुशी खुशी खा ले, नहीं अनुदिष्ट, आप देख लें पढ़ के पूरी पूरे हिंदुस्तान की कहानियां पढ़ना, जैन की नहीं कह रहा हूं, जैन की पूरे हिंदुस्तान में जो कहानियां लिखी गई उन्हें पढ़ना, अतिथि देवो भव, कोई भी आ जाता था भैया भोजन का टाइम होगा भोजन कर ले, अतिरिक्त तो नहीं बनाते थे कुछ, चाणक्य और सिकंदर हारने के बाद, हार गए पहली बार, पहली लड़ाई हार गए तो दोनों भाग खड़े हुए, भाग गए और क्या करते, छिपते छिपाते, अब भूख तो भयंकर लग रही, वैसे युद्ध का श्रम और भागे से कछु ना रसद अपनी कछु सामान नहीं, भूखे प्यासे समरा एक झोपड़ी में दरवाजा खटखटाया, उन्होंने खोला दरवाजा, डुकरिया थी और कोई था नहीं घर में, वृद्ध महिला थी, अम्मा आश्रय मिलेगा, हाँ आया भैया, यदि आप भारतीय हैं तो आप ये क्यों पूछ रहे हो, आश्रय मिलेगा, आओ आओ बेटा आ जा बैठा बेटा, भोजन कर लियो, अब कुछ नहीं बना था उनके यहाँ, खिचड़ी अकेली थी, खिचड़ी अकेली थी, खिचड़ी तो दो थराधर धर, अब बुंदेलखंडी याद आ रही, दो थराधर दिए खिचड़ी परस दी, घी डाल दिया,
खाओ क्या। मैं अनुदिष्ट का दृष्टांत दे रहा हूँ, पढ़ लेना पुराणों में, मतलब कहीं भी अनुदिष्ट स्पेशल नहीं बना। तो फिर उनने बीजो बीज हाथ डाल खाने लगे वो सिकंदर, सिकंदर नहीं चाणक्य, चंद्रगुप्त, पहले हम गलत बोल गए शायद, हाँ सिकंदर बोल गए ना पहले, चंद्रगुप्त और वो चाणक्य। तो जैसे चंद्रगुप्त ने वो हाथ डाला बीच में तो हाथ जल गए, गर्म गर्म खिचड़ी थी, हाथ जली सो टुकड़ी आसान लगी। तुम इतने बड़े हो गए कसी जानते ही नहीं हो, बोल दिया उसे थोड़ी पता है कौन है, तुम इतने बड़े हो गए तुम्हें खिचड़ी खाओ नहीं याद, क्यों अम्मा का गलती हो गई। तो हंस रही थी वो, तो तुमने बिल्कुल ब्यासी गलती करी जैसे चंद्रगुप्त और चाणक्य ने करी। बोले कहे आग पका गए, कहा कह रही कहा गलती करी उनने, अरे सीधे वहां जाके लड़वे की क्या जरूरत थी, पटना, पटना में थे पाटलिपुत्र, पटना ही को नाम पाटलिपुत्र, सीधे पाटलिपुत्र में नंद राजा से लड़वे की क्या जरूरत थी, अरे किनारे से खिचड़ी खाई जाती है तब तो ठंडी होगी, किनारे से थोड़ी थोड़ी खा चलो, फिर बीच में आओ, यहां से पहले तुम थोड़े थोड़े राजा मिलाते, थोड़े थोड़े दोस्त, ये नहीं मालूम यही है चाणक्य को ये करना चाहिए था, सेनापति था वो, उसे ऐसे करना चाहिए, थोड़े थोड़े राजाओं को मिलाती जाती ऐसे धीरे धीरे जीतती जाती, तो नंद को राजा को भी जीत लेती। बिल्कुल ठीक, उन्हें नहीं बताया कि हम वहीं हैं, और फिर अगली बार वही नीति अपनाई उन्होंने, समझ गए। ऐसा नहीं लगता अब जी तो इन्हें अपन ऐसा कटाक्ष काय करें, ऐसा क्यों हंसे, इसका नाम है वसुदेव कुटुंबकम, हमारे घर में जो है हमारे जैसा भोजन करो और हमें अनुभव है तो हम शिक्षा देंगे। ये पूरे देश का रिवाज था, पूरे देश का। हाँ पढ़ लेना पुराण, और मतलब पुरानी कहानियां पढ़ लेना, कहानियां होती है तुम्हारी ऐतिहासिक चंदा मामा वगैरह कहीं भी जहां से पढ़ो, ऐसा होता था, शिक्षा भी देते थे और भोजन भी देते थे। मेरी जीवन गाथा पढ़ना, मेरी जीवन गाथा उसमें आया था पंडित साहब, वो रामायण में जो है, हाँ उसमें भी रामचंद्र जी जो है ना लक्ष्मण को शिक्षा लेने के लिए, हाँ भेजते हैं, वही तो हम कह रहे, वही हम कह रहे लक्ष्मण को शिक्षा लेने भेजते हैं। अभी जो मेरी जीवन गाथा है उसमें पढ़ो आप, अजीनों के यहाँ ठहरना पड़ता है, पंडित जी अजीनों के यहाँ ठहर गए रात को, तो रात को उसने कहा भोजन करो, भोजन करो, हम लोग रात को करते हैं, हमारा भोजन बनाया हम रात को करते, आप करो। तो बोले भैया हम साधु हैं, जैन साधु हैं, रात को नहीं खाते, ये तो हम तुम फिर तुम नहीं खाओ, हमारे घर में बैठे हुए मेहमान भोजन नहीं करते, हम कैसे खाएं, हम भी नहीं खाएंगे फिर जी, कहा हम नहीं खाएंगे फिर, ऐसे कैसे हो सकता हमारे मेहमान भूखे बैठे हुए हम खा लें। तो कह नहीं भैया आपका अपना संस्कार है, हमारा अपना संस्कार है, हम तो भोजन कर चुके एक बार करती हैं। तो फिर सुनो कल बिना जे नहीं जी हूं, समझ गए, कल बिना भोजन करें नहीं जाओगे आप, तो फिर हम भोजन करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। तो हाँ हाँ ठीक है कर करा गए, फिर उन्होंने भोजन करे अपनी कर करा ली, सुबह उठे सो दिशा के बहाने चले दिशा के बहाने, समझ गए, मैंने लेटरिंग करने के बाद जंगल जाती थी, सो जंगल से गए भाई निकल गए, तो उन्हें अंदर ही अंदर ही लगा, उन्हें उसके लिखा उसको, ओहो आज अन्य मतावलंबी है लेकिन आज भी भारतीय संस्कार है, आज भी खिलाए बिना नहीं खा पाते, लेकिन धिक्कार है हमें अपनी परिणति का दुख लग रहा था कि हम छुल्लक हैं इसलिए उनके यहाँ कुछ ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, काश उनका हम फल ले सकते होते, ना से उनकी दाल रोटी चावल, काश हम उनसे ऐसी व्यवस्था होती छने हुए पानी की उनको धो धो के फल खिला देते, उबले हुए दाल चावल खिला देते, लेकिन अब क्या करें, हम बंधे हुए थे तो चले गए, लिखा है अभी भी ये संस्कार, अभी अभी मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में सब जगह खराबी नहीं है, अभी तुम्हारे नगरों में बड़ी हालत खराब है, गांव में अभी भी स्थिति अच्छी है। हमारे सुनील सरल फंस गए थे एक दिन, बस नहीं थी और गाड़ी बिगड़ गई, क्या था सब अटक गई गाड़ी एक जंगल में, तो एक झोपड़पट्टी थी उनकी, सोना पड़ा रात को 10-11 बजे, खनिया दाने लौट रहे थे, सो ले गए 10-11 बजे उनके कमरे, हाँ भैया आ जा सो जा बैठ, कह भैया सेठ जी कसी बना लियो खा लियो, अब बना लो खा लियो कहीं पता क्या कि आप हमारे नहीं बना को खाओ तो सीधो ले लियो,
दाल चावल आटा तुम अपने बना खा ले, ऐसे बोलो ना रात को, आप हमारा बनाए नहीं खा सकते तो अपने बनाए खा ले, भाई हम जे हैं ना रात को नहीं खाते, नहीं मैं इतनी संस्कार। मैं सच कहता हूँ अपन तो अभी आपस में सोचते हैं लड्डू खिलाएं कि नहीं खिलाएं, भला खिलाए कि नहीं खिलाए, 10 जन ज्यादा आ जाए तो और यार अपना काम बढ़ जाए, 4 जन और कहें भैया हम भी भैया देखो अभी हम फिर हमें मैं सही बताऊं आपको, पंडित साहब ने मुझे कहा 1000 ब्रह्मचारी भी आ जाए तो तुम हृदय में भजन नहीं रखना, क्यों भी अपना अपना पुण्य लाती, उस दिन से समझ गए कभी आज तक उस चेहरा मलिन नहीं हुआ भी कौन आ रहा फिर हम कहा करें, फिर हम उन्हें देखेंगे नहीं देखें, बीमार आओ सुखी आओ दुखी आओ चाहे जैसे जाओ हम विकल्प नहीं करेंगे, आ जाओ हमारे भाग में सेवा है, हम सेवा जरूर करेंगे, करेंगे हम खिलाएंगे पिलाएंगे जैसे बनेगा सब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1000 भी आ जाए तो टेंशन नहीं लेंगे, सब काम बढ़ जाते, अरे काम का बढ़ जाते भाग्य बढ़ जाते, काम थोड़ी बढ़ जाता है क्यों, यही तुम्हारी शादी में 10 फ्लैट दे दे वो तो काम नहीं बढ़ जाए, झाड़ू लगाओ पोछा कराओ हिसाब कराओ टैक्स चुकाओ प्रॉपर्टी, वहां तो तकलीफ नहीं होती, हमेशा ध्यान रखना कभी नहीं। दूसरी बात मेरे संग रहने वाले कई बार ऐसे खोटे परिणाम करते थे, अरे यार ये लोग आ जाते हैं एक दो दो घंटा बैठ जाते हैं हमें टाइम नहीं मिल पाता भाई साहब पास, ये भगवान कोई आए ही नहीं, अब को नव ब्रह्मचारी नहीं आ जाए, अब कोई नहीं आ जाए भाई साहब, उन्हें बहुत टाइम देते नए नए लोगों को और पुराना को पूछत नहीं है, तो ऐसे भाव करने वाले घर चले गए, क्यों चले गए, अंतराय डालने वाले को अंतराय का उदय आता है, प्रत्यक्ष घटनाएं बिल्कुल प्रत्यक्ष, अंतराय डालने वाले स्वयं अंतराय के शिकार होकर चले गए, पुराण पढ़ लेना अंतराय डालने वालों को अंतराय आता है, पढ़ना बहुत कहानियां हैं, एक दृष्टांत दे रहे केवल, बहुत कहानियां लेकिन पुराणों में, एक राजा ने कहा इन मुहिराज मासोबासी मुहिराज को आहार हम देंगे, तो फिर श्रावकों ने समझा उनका तो ऐसा नियम है कि जहां पड़गाए जाते हैं वहां ही जाते हैं, तो आपको जरूरी नहीं आपके यहीं आहार हो, ना ही कोई नहीं देगा आहार, कोई किसी चौका नहीं लगेगा, कोई नहीं पड़गाएगा, अब कहां जाएंगे, अब तो एक ही जगह चौका लगेगा हमारी जगह, तो हमारे तो अपने आप आ जाएंगे, इस महीने के एंड में वो हमारे पास आएंगे, भावना तो अच्छी थी विधि गलत थी, क्या कह रहे भावना सही थी आहार दान देना चाहती थी मासोबासी मुराज को, लेकिन विधि गलत थी, अंतराय डालने की विधि थी, तो ऐसा हुआ जिस दिन वे आते थे उसी दिन उनके यहां अंतराय जाता था, नगर में आग लग गई सिर्फ उसमें लग गई सो उनकी चौका नहीं लग पा, और कहीं लगा नहीं था डर के मारे, राजा का डर था कोई लगा नहीं सकता नहीं दंड देंगे हम, तो कोई लगाया नहीं, फिर दूसरा महीना हो गया, दूसरे अब 2 महीने को पास हो गए, फिर आए उस दिन हाथी भी चक गया, हाथी ने बंधन तोड़ दिया उसे पकड़ने के चक्कर में पड़ गए, सो उस दिन भी नहीं लगा, 3 महीने हो गया, 3 महीने बाद आए तो पड़ोसी राजा ने वो युद्ध की धमकी दे दी, सो उनसे वो लज गए, 3 महीने हो गए, महावीर भगवान की जीव की कहानी है जी, महावीर भगवान के पुराण में लिखी है, तो अब 3 महीने हो गए, सो अब आहार तो हुए नहीं, शराबक लोग देख रहे खड़े खड़े आपस में बातें कर रहे कि ऐसा राजा दुष्ट राजा है, ना तो चौका लगाता है ना लगाने देता है, 3 महीने के निराहार ही है, अब 4 महीना हो जाएंगे ना वो पास, एकदम गुस्सा आ गई, और ये राजा ऐसा है, वो बैर बांध लिया उन्होंने, तो फिर नारायण प्रतिनारायण बने, फिर इतना लंबा बैर चला उसका चक्री या माने नारायण प्रतिनारायण कुछ बने देख लेना उसमें, नारायण प्रतिनारायण बनी बात, इतना बैर बन गया मुनि दशा में भी, मैं इससे बदला लूंगा, जिसने मुझे ना आर देता है ना देने देता है, अरे देख लेना पढ़ लेना पुराण में सर, अरे जो हो तो पढ़ तो लियो, क्या है हम जब माई भगवान की जीव की कहानी कह रहे तो उधर का कह रहे वहां पीछे पुरानी कहानी हो, पुराने भावों की कमी है, बहुत पुरानी भावों की कहानी पढ़ लेना, वो तो जी हमें जी पकड़ना है, मैंने वो अंतराय डालने वाले को अंतराय आता, और एक जगह नहीं हमने कई जगह देखा, हमने कई जगह देखा, जब तक हम सोचते थे ना जी हमसे आगे ना निकल जाए पढ़ाई में परीक्षा में ऐसा वैसा, हमसे ज्यादा ना पढ़ ले हम ज्यादा पढ़ ले, तब तक हम कभी फर्स्ट पास नहीं हुए जिंदगी में, कभी फर्स्ट पास नहीं हुए कभी,
और 11वीं से हमने ऐसा किया शुरू, 11वीं से पढ़ाने लगे, प्रेरणा देने लगे, पढ़ो पढ़ो सबको पढ़ना प्रेरणा, खूब जेलेसी खत्म हो गई हमारी। उसी साल में फर्स्ट आए और उसी डिग्री से हमारी पहली नौकरी लगी, केवल 11वीं की डिग्री से नौकरी लगी, बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट ऑफिस की, केवल 11th की डिग्री से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी लगी, कोई आज की तारीख कल्पना भी नहीं कर पाएगा। अब सोचो हमारी वो जेलेसी मिटने से कितना फायदा हुआ, और उसी के फल में फिर आगे जाते जाते हम सिल्वर मेडल हो गए एम कॉम में, दूसरी पोजीशन थी पूरी यूनिवर्सिटी में। क्यों? सबको मदद करना, सबको पढ़ना, सबको पढ़ाना, सबको हेल्प करना। कभी मत सोचो ये पढ़ना जाए हमसे आगे नहीं बढ़ जाए, हमसे बढ़िए प्रवचन नहीं करने लगे, स्वप्न में भी मत सोचना, क्योंकि ये प्रभावना नहीं है, ये दुर्भावना है। कुछ कह गए हम, ये प्रभावना नहीं है, दुर्भावना है, कोई हमसे आगे ना बढ़ जाए। अरे हम कह रहे हमसे पहले सब मोक्ष में जाओ, हम तुम्हें प्रणाम करेंगे। गुरुदेव श्री कहते थे सोगानी जी के बारे में, हमसे पहले मोक्ष में जाएंगे, जब हम दीक्षा लेंगे तो नमः सिद्धि व्य कह करके हम सोगानी जी की आत्मा को भी प्रणाम करेंगे। इतनी उदारता होनी चाहिए, दुर्भावना कभी ना रहे। दुर्भावना न आवे मन में कदापि, दुर्भावना समझे, अपन सोच रहे प्रभावना कह तो रहे प्रभावना करेंगे और दुर्भावना कर रहे, कोई हमसे आगे ना बढ़ जाए, हमसे बढ़िया ना लिखे, हमसे बढ़िया ना बोले। खूब बोलो भाई, क्या हमें तो बड़ी खुशी है तुम प्रवचन कर लो, तो हम सही में बहुत फ्री हो जाए। अभी जब वो बच्चा था चर्चित, हम एक टाइम प्रवचन करते थे, एक टाइम वो करता था, सुबह वो करता था, हम बड़ी आराम से मंदिर में बैठते थे, जंगल में चले जाते थे, अपने आराम से चले जाते, हम फ्री हो गए। हम तो चाहते थे तुम जल्दी आगे आ जाओ, हमें कौन फेसबुक और यूट्यूब और ये कैसे समझ नहीं आता, तुम लोग करो, हम तुम्हें सिखा देंगे 5 साल में, छा जाना बस, कमा लोगे, सच कह रहे कमा लोगे। थोड़ा धैर्य रखो, टेंशन में जितना समय निकाल देते ना अपन, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा, कब नौकरी लगेगी, कब का हुई है, का हुई है, मम्मी हो पापा, अरे सब भूल के फोकस करो, सब भूल के फोकस करो। सच कह रहे आज की तारीख में कमाना बहुत सरल है, लेकिन टैलेंट डेवलप हो गया तो आनंद भी आएगा और कमाओगे भी, और टैलेंट डेवलप नहीं हुआ तो जहां जाओगे वहीं से ठुकरा जाओगे, जहां जाओगे वहीं नौकरी करोगे, बहुत आलसी है। ये नहीं रोज पूजा में जाए बच्चों के साथ, ये नहीं कपड़ा पूजा का कपड़ा पहनेंगे तो बच्चा ही पहनेंगे, ये नहीं ऐसा करें, ये नहीं वैसा करें, सो बातें होंगी और फिर तुम पक जाओगे जैसे अपना आकाश पक गया ना। क्यों? अंदर में दुर्भावना चलती रहती है, कसा है कसा है कसा है कसा है, मैं उसे ये भी विवेक नहीं होता भगवान सामने गाली बोल रहा है मेरे सामने, मैंने भगवान ही सामने कह रहे, मुझे भगवान नहीं लगती। जब इतने हल्के परिणाम होंगे तो सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा, आप कहीं चले जाना। प्रभावना है कि दुर्भावना है? हमारी तो बड़ी भावना है, बड़ी भावना नहीं करो, प्रभावना करो। कुछ कह गए हम, बहुत कम मुंह से निकलता है हम प्रभावना कर रहे हैं, बड़ी भावना हमारी, बड़ी भावना हमारी, बड़ी बड़ी भावना नहीं, सच्ची करो, दुर्भावना मत करो। समझ गए कितना अंतर है प्रचार और प्रभावना में? प्रचार में कभी आनंद नहीं आएगा, प्रभावना में बहुत आनंद आएगा। प्रचार में तो आप कुंठित हो जाओगे, पक्की बात है, लिख लेना, प्रचार में आप कुंठित हो जाओगे, 10 से 100 ही उस दिन आनंद आएगा, 100 से 1000 में आनंद आएगा, फिर करत करत बोर हो जाओगे, बिल्कुल बोर हो जाओगे। जैसे विराट कोहली ने, अब वो पहले खेलने नहीं मिलता था तो बड़े उसके, अब ब्याह हो गए, पापा बन गए, अब यार कहा यार तीनों उसमें अपन कप्तान, अपन ही अपन खेलो, और एक दिन फुर्सत नहीं, अब तो मैं क्रिकेट इतने हो गए, अब खेल खेले थके, तो जा भैया हो जा, आओ जा, अब पक जाती। अब ऑब्जेक्शन कर ले, कितने खेल हो रहे भैया, थक जाते हैं, मतलब खिलाड़ी जिनका सिलेक्शन नहीं होता था तब रोते थे, अब हो गया तो अब कह रहे हम थक रहे। मैंने एक दृष्टांत दे रही, आप प्रचार में थक सकते हो, प्रभावना में नहीं थक सकते, प्रभावना बहुत ऊंची चीज है। इसलिए हम कहते कॉन्स्टेंट, अब उसका भाव जी है निर्विकल्प, मन विकल्प नहीं करना पड़ता, और देखो गजब, विकल्प करना नहीं पड़ता, मन वचन का लगाना नहीं पड़ता, प्लान बनाना नहीं पड़ता, और प्रभावना का फल अनंत गुना। सो तीर्थंकर पद भी पावे, है ना, सब बारे में बात चल है, प्रभावना है, इतिहास में आ गई।
चर्चा तो खत्म नहीं होगी, आती जाती दिमाग में। ये समझे मतलब हाँ, अभी भी हमारी प्रभावना तो चली रही है हाँ, लेकिन पर में चल रही है। जैसे समझ लो तो इसीलिए हम उसको कह रहे हैं दुर्भावना। हम प्रभावना का कहें भाई, हम तो दुर्भावना कहेंगे। यदि ऐसी बात हो गई कि एक एक नारी ये कहे कि हम हैं तो सीलवती बस पर पुरुष के साथ ऐसी कैसी सील नहीं हम पक्की हैं, बाकी सेवा कोई क्यों नहीं ऐसा कैसा सील ये पर के साथ हुआ, तो उसे प्रभावना नहीं कहेंगे, उसे हम दुर्भावना कहेंगे। दुर माने खोटा, खोटी भावना। धन बढ़ जाए, पैसा बढ़ जाए, समाज बढ़ जाए, दुनिया में वाहवाही हो जाए, लोग हमें जानने लगे, हो लोग जानने चाहिए हम पंडित हैं, लोग जान ले हम ब्रह्मचारी हैं। अच्छा सही बताओ, तुम यदि ब्रह्मचारी हो जाओ तो नहीं लगे कोई जाने हम ब्रह्मचारी, तो अभी स्टूडेंट हो बोलिए कोई जाने हम मंगलार्थी हैं, हम नौकरी कर रहे सब पता तो लगने चाहिए, सबको पता लगना चाहिए हम नौकरी छोड़ के आए। तो अभी इसका उत्तर सुन लो, ऐसे बहुत सोच सकते हैं इन सबका एक उत्तर, जिन्होंने अपने को भगवान नहीं देखा वे ही ब्रह्मचारी दिखाती। जल्दी क्या गए, जो अपने को भगवान नहीं देखते अपने को स्टूडेंट देखते वे ही दिखाती, जो अपने भगवान आत्मा नहीं देख पाता वो ही दिखाएगा। भैया कोई को पता लगना चाहिए हम इतने अच्छे गायक हैं, इतने अच्छे लेखक हैं। अरे रे सुनो, तुम वो भगवान हो केवल ज्ञान जिसके चरणों का एक कण है। तुम हमें भगवान कह रहे हैं, मैंने बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, केवल ज्ञान तुम्हारे चरणों की रज है। तुम कहा कह रहे जी, और जिस तरह से तुम सोच रहे ना कि मैं लेखक सेठ गायक विद्यार्थी नौकरी, ये तो केवल ज्ञान के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है, धूल के बराबर भी नहीं है। अब यहां से विचार करोगे तो तुम्हारा अहंकार टूट जाएगा। और जो फालतू जो अहंकार है ना, कोई को पता लगे, कोई को पता लगे, कोई को पता लगे, काहे को पता लगे, क्यों पता लगे और क्या पता लगे बे, हमें भगवान नहीं देख पाएंगे और नकली देखे हम नहीं चाहते नकली देखें। सुना, हम इसलिए खुश हैं भगवान हमें भगवान देखते हैं, हम इसलिए खुश हैं कि ज्ञानी हमें भगवान आत्मा देखते हैं, हम इसलिए खुश हैं भले किसी को नहीं पता कि मैं भगवान हूं, ये जिनवाणी ने कहा है। अब अहंकार नहीं होगा आपको, अब आपको लगता है ठीक है। एक चर्चा और अभी करते हैं, चर्चा तो निकलती जाएगी टाइम हो जाता है, तो एक चर्चा जरूर करना चाह रहे, हालांकि करना तो एक घंटा चाहिए उसे, उसे भी एक घंटा करना चाहिए, लेकिन अभी 5 मिनट कर दे रहे हैं, अब कर दे रहे हैं, अभी जितना भाव आ रहा है अभी कर दे रहे, फिर शाम का क्या पता जो भविता पे। सुनो बहुत कठिन बात कह रहे हैं, वैसे सही में शाम को चलाना चाहिए फिर भी अभी कहने की इच्छा है उतनी कह रहे हैं। जो ये कहते हैं हमें प्रभावना करने की भावना, वे झूठ बोलते हैं। क्यों? कि प्रभावना अंतिम सीढ़ी है, जिनकी 7 सीढ़ी नहीं होती भी प्रभावना नहीं कर सकते, समझ गए। अंतिम सीढ़ी है 8वीं, पहली सीढ़ी है निसंग, तो हो पहले तुम तुम्हें खुद ही संघ का प्रभाव ना करोगे। हम ब्रह्मचारियों से पूछते हैं, तुमने अपने भाइयों का ब्रह्मचर्य लेने के लिए कि नहीं हमारा भाव ही नहीं आया, हम समझ गए तुम्हें ब्रह्मचर्य नहीं, तुम खुद संघ के तो हमसे तो वो ही अच्छा है, कमा ले हो शादी कर ले हो वो सुखी हो जाएगा, अब हमारी तो चलो कट जाएगी जैसे तैसे। ओ ऐसा शंका करने वाला ब्रह्मचारी काहू प्रचार करेगा प्रभाव ना करेगा, अब तो समझ गए क्या कह रहे हैं। निसंग ब्रह्मचारी ही प्रभाव ना कर सकता है। मैंने हमें तो ये लगता है, तुम कभी भी ये सोच रहे हमारे घर वालों से पूछ रहे हैं सबसे, यदि हमसे कुछ पूछते हैं तो हम यही बात कहते हैं सम्यक दर्शन स्वाध्याय, हमारे हर लेटर में भी यदि जाएगी तो ये लिखाएगी, वैसे तो लिखते नहीं लगभग, लिखेंगे तो ये प्रेरणा लिखेंगे। महिलाओं पर संकट आती तो मुझे बड़ी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, क्यों सब आपको क्यों खुशी होती है बताया था ना, मैंने सुंदरी का सो सुंदरी का हमें बड़ी खुशी होती है, अरे संसार असार है, संसार में कहीं सार नहीं है समझ में आ गई, तो अब आत्म कल्याण में लग जाओ, सम्यक दर्शन लेके स्त्रीलिंग छेदो,
मिथ्या दृष्टियों को राजी करने में खुश मत रहो। जैन दर्शन ने ऐसा नहीं सिखाया कि जिससे हमारे भाग बांधने से जिंदगी में रोत रहो। बिल्कुल लिखिए, साफ कह रहे हैं हम, उनके लिए मत रोते रहो, अपने अपने हित करो। मिथ्या दृष्टि को राजी करने से अच्छा है अपने शुद्धात्मा में राजी होना सीखो। क्या कह गई, क्या बोला बेटी, बोलो, तुमने सुनी नहीं, नींद आ रही तुम्हें? हाँ पूरा बोलो, सही बोलो। हम वही तो कह रहे, तुमने कुछ कुछ अटकटा सुना है, रात को लेट सोए बेटे, तब टेंशन नहीं किया करो। हमने रात को तत्काल कहा जाके सो जाओ, रात को लेट हो जाओ, टेंशन फालतू जी, फिर सुबह 4:30 बजे जगना। अब जी उसका नुकसान अभी है, जिस समय अपन रस पीना उसी समय अपन भारी हो रहे से। कभी मत टेंशन करो। चलो समझ में आए क्या कह रहे थे, बोलो बेटे बोलो। अपन शुद्धात्मा में राजी होना सीखे, बहुत अच्छा है, अपने पास अवसर है शुद्धात्मा में रमने का। सीख जाएंगे 2-5 साल में, कोई बात नहीं, नहीं सीख पाएंगे, अरे 2-5 साल सीख जाएंगे, कहा दर जाने। सबसे बड़ी चीज है संसार असार वहां से होना, यदि हो गया तो बहुत अच्छा है। इसलिए मुझे महिलाओं पर पाप का उदया था, मुझे बड़ी खुशी होती, एक चांस आ गया, बिजली चमक गई, तुम चाहो तो अंतर्मुख होकर अपना काम कर ले, मैं कभी दुखी नहीं होता। पंडित साहब एक बात कहते हैं, ठेकेदार है, फिर उन्हीं को राजी करना चाहती जिन्होंने ठेका ले रखा है हम राजी नहीं होंगे। क्या कह रही, मिथ्या दृष्टियों ने ठेका ले रखा है राजी नहीं होने का, और नहीं तो ला चलो मेरे बता जी, चलो हम देख रहे, चलो चलो हमारे संग बताओ कौन राजी हो, आपको मिला कोई एक आध राजी हमें बता दिए, आपको कोई मिलो हो तो हमें बता दिए राजी होगा कोई। हम अपने बहू से राजी हैं, अपने भैया से राजी हैं, अपने पति से राजी, राजी नहीं है मजबूरी है, समझौता मजबूरी में घेट रहे सब सही कह रहे बेटी, क्या के देखे घर गए तो शादी अज्ञान दशा में हो जाती, छोटी उम्र में, पहले छोटी उम्र हो जाती थी, तब तो मैच्योर नहीं होते थे तो इसलिए शादी हो जाती। आजकल आप जाके देखो 30-40 साल के लड़का शादी नहीं कर रहे, अंडरस्टैंड हो गए भी, मतलब मैच्योर हो गए भी। अब मोड़ियाँ नहीं कर रही जर्मनी में, तो चाइना में, रशिया में, अमेरिका में, अब एक नया हिसाब निकाल दिया उन्होंने, नया लिव इन रिलेशन, संग रहो, नहीं पटे मरो, हटा छोटी तलाक, तलाक की जरूरत ही नहीं, शादी नहीं हुई तलाक आएगा, तो अपने रस्ता ऐसी स्थिति है, ऐसी तो आप हाँ बंदे मतलब इतनी इतना खराब कल्चर आ रहा है, तो गवर्नमेंट को कानून बनाने पड़ रहे हैं, या तो आप एक व्यक्ति का भरण पोषण का पूरा साल का जीवन भर का खर्चा दो टैक्स में और नहीं शादी कर। जर्मनी में कह रहे तुम बच्चा पैदा करोगे तो 10 लाख रुपए देंगे हम, पैसे देने पड़ रहे काहे, जब बच्चे ही नहीं होंगे और लड़का लड़की तब शादी कर नहीं रहे, और कर रहे थे एक आध बच्चा, तो सेना में भर्ती कहां से होगी, अब चाइना वाले नेपाल में इसलिए घुस रहे, नेपाली लोगों को अपनी सेना में भर्ती कर रहे हैं भैया, तो हमारे सेना में भर्ती जाओ तो मेरा आजीविका होगी, रोजगार होगा, तुम गरीब हो, हमारे तो लड़ने वाले नहीं को, ये हालत है चाइना की। इस समय भारत में सबसे ज्यादा युवा है विश्व में, चाइना वाइना में भी नहीं बचे, बुड्ढे ज्यादा है वहां, गांव के गांव बुड्ढे हैं, गांव के गांव 100% लोग बूढ़े हैं, 60-70-80 की उम्र वाले, इतने परेशान। मैं तो इसलिए कह रहा हूं जब मैच्योर हो जाते तो शादी खुद ही नहीं करते, इसलिए अज्ञान दशा में हो जाए तो हो जाती बेचारे, फिर भुगतते बेचारे, क्या करें। इसलिए हम तो अभी कह रहे भैया समझ आया, हाँ तो निसंग नहीं है तो प्रभाव ना कैसे करेगा, और जब संग कही है तो निकांचित कैसे होगा, निसंग ब्रह्मचारी ही निकांचित हो, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें कपड़ा नहीं चाहिए, क्या चाहिए, इतना ही तो है बहुत है। लेकिन जब जैसे शंका रहती ना, अरे अभी सेठ जी मिल गए, अरे पैसा दे रहे, अभी ले लू, भविष्य में कोई ना जाओ तो FD बना ली, देखो कांचा रखी, कांचा होगी, निसंग हुए बिना निकांचित नहीं हो सकता, और तुम अभी निकांचित होना चाहते हो, झूठी बात है, निसंक हुए बिना निकांचित होते ही नहीं, निसंक होना कर्तव्य है और निकांचित होना अधिकार है आपका, अधिकार तो तब मिलेंगे जब निसंक होगी, घटी समझ में आया, अभी पूरे में घटाना, निसंक हुए बिना निकांचित हो ही नहीं सकता, वो
अभी तुम कछु ले आए, चल जा रख लियो, खपा तो कल पिंड खजू मिली नहीं मिली, जे काम आएंगे खर्चा नहीं कर पाएंगे, दे लो खाओ 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 खाओ, खर्चा नहीं कर पाए, अरे दही रहने दी, इन्हें कहा थी तो खात रही थी। सुनो, अपने पुण्य छीन होगा, देने से आता है, विश्वास है देने से आता है, बोलो, दान देने से आता है, विश्वास ही नहीं होगा, क्यों निसंग है, नहीं है ना, तो निकांचित नहीं हो सकता। सबको शंका है, पंडित जी हमें नहीं समझ में आ रही, 1 करोड़ में से हमने 10 लाख दान दे तो कितने बचे, कितने बचे, झूठ है, कितने बचाने, तुम मुझे बताओ, बताओ कितने बचाने, चलो मैं गणित बता सकता हूं, अभी तो नहीं बताऊंगा, पहले बताया मैंने, बोलो कितने बचाने, 1 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, 50 अरब, कितने बचाने, बोलो, हमें विश्वास ही नहीं, हमें तो 100 में से 10 गण 90 दिख रहे हैं। अरे भावना का फल कहां चला जाएगा, जो पुण्य बंधा है उसे असंख्यात गुना पुण्य होता है। सुनो, एक अकेला सम्यक दर्शन करने के बाद कभी कमाने की जरूरत नहीं पड़ती, सम्यक दृष्टि कभी राजा से नीचे पैदा नहीं होता, सेठ के पुत्र से पहले नीचे पैदा नहीं होता, और जहां सेठ क्या पैदा होता वहां कमाना नहीं पड़ता उसे। पढ़ लो धन कुमार चरित, पूर्व भाव की कहानी पढ़ो, इस भाव की पढ़ो, पूर्व भाव में केवल मुनिराज को आरदान दिया है, कौन सी वो खीर का, अगले भाव नगर का राजा हुआ, सेठ का पुत्र हुआ, और नगर सेठ का पुत्र होने पर भी देख लो, है ना, घड़ी समझो, और मैं कह रहा हूं सुनना जानते, और सुन, इतनी सी खीर दही, उसी भाव में राजा की लड़की से शादी हुई, आधा राज्य उसी दिन मिल गया। तुम दे सकते थे खीर, कच्ची नहीं खाओ मोड़ा ने, बहुत बरसन से खीर नहीं खाई थी, इतनी सी खीर बनी थी आधा 1 लीटर दूध की, सेठ जी ने दे दिया था, उतने चावल दे दिए, घर जाकर खीर बनाई थी, अपनी हिम्मत है। सुनो, इतने निर्मल मन से अपनी खीर बांटने के लिए तैयार हो गया था वो, जी नहीं कहा अम्मा ये कटोरा खीर, एक तपेलिया खीर इतनी सी, तुम खाओगी हम खाएंगे, महाराज पूरी खा गए तो क्या हुई है, जे विकल्प नहीं आया, ऐसी प्रभावना के साथ उसने निसंकेत और निकांचित होकर आहार दिया। उसी भाव में उसी दिन राजा ने कहा इसे हमारी पुत्री दी जाएगी, आधा राज दे दिए, लो अब बोलो कितना कितना पैसा दान के बाद आएगा, सोचो, कभी मत सोचना, ये कोर दान दे सकते हो दे दो, बिल्कुल दुर्भावना से नहीं दो, निसंक होके दो, निसंक हुए बिना निकांचित नहीं होंगे, और निकांचित हुए बिना निर्विचिकित्सा नहीं हो सकते, आप अप्रूव करने की जरूरत है ऐसे सब, निकांचित हुए बिना निर्विचिकित्सा कैसे होगी, नहीं समझ में आया होगा, बहुत सरल दृष्टान दे रहे, सुनो, लंबा तो नहीं दे रहे नहीं दे रहे, हमें अभी तुमसे भी कुछ मांगना पड़े ना, बेटा तुम इतना तो पैसा कमा रहे, थोड़ा पैसा हमारे वहां में डाल दियो, ये परिणाम है ना जी, चेहरा यही तो विचिकित्सा है, आपके परिणाम गिर गए, ऐसे करने पड़ो, बेटा थोड़ा ध्यान रखियो, अब हम पे कपड़ा ही नहीं रहे तो कुछ देते ही नहीं समाज वाले, देखो कांचा है ना कपड़ा की गिलानी आ गई, भैया थोड़े फंड में हमारे जमा करा रहे, ऐसे बहुत ब्रह्मचारी मिल जाएंगे रोते रोते, और बेचते अपने अपमान समझते, रोते रोते हम पे कपड़ा नहीं है, कोई दिए तो नहीं, कोई रोटी नहीं दी, कहने पड़ा थे भैया खिचड़ी बना दी, ऐसी ऐसी स्थिति है, फिर निर्णय चिकित्सा कहा तेरे परिणामों में गिलानी आ गई, निकांचित हुए बिना, देख लेना कांचा करने वाला, एक नवाब था, नवाब वो ये खाता था, सो उनके मंत्री अपने जैन था, नवाब का मंत्री जैन था, सो उनके संग संग जा रहे, जब भी वो खाते थे तो एक ही बात कहते, एक दिन तंबाकू तुमको भीख मंगवाई, तो नवाब बड़ा नाराज होता था, तुम कैसे कह रहे हो, हम भीख, इतना बड़ा सल्तनत हमारी, क्यों भीख मांगेंगे, उसे विश्वास नहीं होता था वो ऐसे, लेकिन इतना देखो इतनी इज्जत थी उसकी कि उसे दंड नहीं देते थे, लेकिन वो टोकते थे हर बार। अब एक बार वो युद्ध करने गए तो रेगिस्तान में से निकले, वो कच्छ में से, वहां तो मीलों वही है, कच्छ का रण कहला था, क्या कहला था वो, बहुत लंबा, सो अब वहां से निकले, अब वो तमाकू खत्म, और चूना खत्म हुआ, तमाकू तो थी, चूना खत्म हुआ, तमाकू रखी थी, सो अब बड़ी बेचैनी, तो फिर वहां से कार वो आ रहा था दूसरा ऊंटों का,
25,000 से जा रही थी। अब तो ऊंट तो ऐसे ऐसे चले धीरे धीरे, तो जैसे वो सामने आओ व्यापारी कारवा वाला, ए भैया तुम पे चूना है क्या, तुम पे चूना है क्या, चूना हाँ है, जब तो यहां तक आ गए तो उन्हें डब्बी ट्रांसफर कर दी, निकल गई चूना दे दिया। बोला वो मंत्री वहीं बगल में था, कहो महाराज भीख मांगी आपने कभी रेलगाड़ी में देखा, ये भैया कैसे इतना है, समझ गए, निर्विचि किस्सा गिलानी आई, आप मांगते हो तो गिलानी आई, अरे भगवान के सामने भी मांगोगे ना, रत्नत्र दे दो मोक्ष दे दो प्रभु जन्म मरण से गिलानी है जी, नहीं कुछ नहीं चाहिए, हम निस्संक हैं, मैं मुक्त स्वरूप हूं, मोक्ष अपने आप होगा, कांचा नहीं है, इसलिए मांगने की जरूरत नहीं तो गिलानी नहीं है। निर्विचिकित्सा अमूढ़ दृष्टि, अरे साहब लिखी है, हाँ लिखिए व्यवहार से लिखिए, हम मूढ़ नहीं है, अमूढ़ है, व्यवहार से लिखिए, हम जानते हैं व्यवहार को, व्यवहार जानते हैं, जो भक्ति करते हैं उन्हें मोक्ष होता है, हाँ लिखिए व्यवहार से लिखिए, जो दान करते हैं उन्हें मोक्ष होता है, अरे व्यवहार से लिखिए, हम जानते हैं, भरोसा नहीं करते हम इन बातों का, हम शुद्धात्मा का भरोसा करते, मूढ़ नहीं होते। चार हो गए, ओगुवन सुनो, जो मूढ़ नहीं होंगे भाई ओगुवन कर पाएंगे, मूढ़ आदमी ओगुवन नहीं कर पाएगा, फिर तुमने गलती क्या करी है, अब आ गए, अब तुम क्या करोगे, जब उसे गलती का करता देख रहे, तुम निसंक नहीं हो, निसंक कीजिए, गलती नहीं करी इसने, तुम निसंक ही नहीं, गलती करी, अरे नहीं करी भाई, व्यवहार से कहा था, मूड हो गए तुम, कोई भी जीव गलती करता है व्यवहार से कहिए, तुम मूड मत हो जाओ, देखो गलती तो हुई है, हुई है, करी नहीं है, रोटी जली है जलाई नहीं है, फर्क समझ में आया, क्यों एक्सीडेंट करते हो कि होता है, होता है, तो निर्दोष है फिर, मूड समझ गए, मूड मूड व्यक्ति उपगुण नहीं कर पाएगा, और जो उपगुण ही नहीं कर पाएगा वो स्थितिकरण कैसे करेगा, उखाड़ेगा वो तो, कहो बाद में क्या खा रहे थे बोलो, हमें सब याद है, फोटो खींच ली थी हमने, वीडियो बना ली थी तुम्हारी, अब जो उपगुण नहीं कर पाएगा स्थितिकरण कैसे करेगा, और स्थितिकरण नहीं करेगा वो बात्सल्य का पालन कैसे करेगा, क्या हम तुम्हारी बुराई कर चले जाएंगे, और बात्सल्य होगा कैसे, बात्सल्य प्रेम रखो, छिपाओ, अकेले समझा दियो, फिर बात्सल्य होगा, और सुनो ऐसे बात्सल्य करने वाले की ऑटोमेटिक प्रभावना होती है, सात अंगों के बिना प्रभावना नहीं होती, अब तुम 4 करोड़ों के प्लान बना लो, प्रभावना कर रहे नहीं कर पाओगे, सुनोगे ध्यान से, उल्टा मत लेना हो, किसी का नाम ले रहा हूं लेकिन नाम से आप आने से नहीं ले रहा, जो प्रभावना गुरुदेव श्री ने बिना विद्यालय खोले कर दी, बिना ग्रंथ लिखे कर दी, बिना देश में घूम के करी, अमेरिका जाए बिना कर दी, जो प्रभावना वो हम सारे विद्वान मिलकर विद्यालय इतने खोल दिए 4-5, सब कुछ कर लिए, इतने पंडित तैयार कर दिए, 1,000-1,500 पूरे सब स्कूलों ने मिला के अपने सब, तो अभी वो प्रभावना नहीं कर पाए जो प्रभावना गुरुदेव ने की, समझे अब बोलो, अब 1 घंटे का सार, 1.25 घंटा हो गया, प्रभावना करना भाई, अंतर्मुख हो जाओ, चुप हो जाओ, अंतर्मुख हो जाओ, चुप हो जाओ, हाँ वो तो है ही, अपने में संतुष्ट है, तृप्त परिणति है, अपने में आनंद है, प्रभावना अपने आप हो जाएगी, कभी मत सोचना बेटे, हम तो नहीं चाहेंगे कोई दुश्मन भी हो, दुश्मन भी सोचे मतलब क्या, हम लेखक बन जाए, हम प्रवचनकार बन जाए, हम टीकाकार बन जाए, अरे अपन आत्मा को देखो, जो हमने तुम लोगों से क्या कहा था, सुन रहे तन्मय, हमें नहीं मालूम तो मैं, हम क्या बना सकते, हम कुछ नहीं बना सकते, नहीं 5 साल में रास्ता अपने आप खुलेगा, जो खुल जाए उसे संतोष कर लेना, नहीं ध्रुव पकड़ना पहले सीख लो, बस आप ध्रुव का अनुभव करना सीख जाओ, वहां की प्रकृति अपने आप तुम्हें रास्ता खोल के दे देगी, तुम अपने आप जो कुछ बनना होगा बन जाओगे, भूखे नहीं मरोगे गारंटी है, और 1,000,000,000 कमा लोगे, 1,00,00,000 कमा लोगे, कहना अच्छा नहीं लगता थोड़ा, लेकिन सचमुच कमा लोगे, और नहीं भी कमाओगे भाई, वैसे तो कमाओगे हमें गारंटी है,
गारंटी विश्वास है कमा लो, लेकिन नहीं भी कमाओगे तो अनंत जन्मों के अभाव हो जाएगा। ये तो पक्के में कमाओगे, रत्नत्रय तो पक्के में कमाओगे, गारंटी है इसकी। पूरी निष्ठा के साथ 5 साल इसमें लग जाओ, दर दर की ठोकरे मत खाओ। बस अंतिम लाइन की बात पूरी करें, जिनके उपयोग की एकाग्रता नहीं होती वे दर दर की ठोकरे खाती। अच्छी भाषा में लोक में कहोगे ना, लोक में जिनके लक्ष्य की एकाग्रता नहीं होती वे दर दर की ठोकरे खाती। जिनके लक्ष्य ही नक्की नहीं है, लक्ष्य की एकाग्रता नहीं है, तो आपके जीवन में कभी ठोकरे खाओगे। जो यहां ठोकर खाता है वो बाहर खाता है, बस यहां ठोकरे खा रहे, उपयोग भटकता है इधर उधर, उपयोग भटकता है इसलिए बाहर भटकते हो। इसलिए जब कुछ अक्कल नहीं काम करे तो केवल गुरु चुनने का काम करो, कुछ मत करो। फिर से बोल रहा हूं, क्या कहा, जब तुम्हारी अकल काम नहीं करे, भटक रहा है भटक रहा है भटक रहे भटक, तो आप अपने आप को आईसीयू में भर्ती कर दो। एक योग्य गुरु ढूंढो, भरोसा करो और ये आईसीयू में भर्ती कर दो, भी करेंगे सब, विश्वास करो वे करेंगे, सचमुच वे तार देंगे तुम्हें। अपने भरोसे मत रहो। शराबी व्यक्ति निर्णय नहीं कर सकता, आप शराब पिए की दशा में निर्णय मत करो। जब मोहिनी का तीव्र उदय हो, उपयोग भटक रहा है, मोहिनी के तीव्र हृदय की पहचान उपयोग का भटकना, मोहिनी की तीव्र हृदय की दशा है, आपका उपयोग भटक रहा, निर्णय नहीं कर पा रहे, आप अपने को गुरु को सौंप दो। ओम नमः शिवाय।